नवगछिया की धरती पर पहली बार प्रतिभा खोज प्रतियोगिता प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने जा रही है। विजेता को मिलेगा एक लैपटॉप। विजेता को एक लैपटॉप से सम्मानित किया जाएगा जो 85% अंक प्राप्त करेगा। अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर है, तो आइए मौका हाथ से छूट न जाए। फॉर्म प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल में उपलब्ध हैं। ये परीक्षा शैल हृदया चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित की जा रही है। संभावित परीक्षा जून 2022 के महीने में। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 7368914733 या 8809304733। जल्दी करें। भागलपुर में एक परिजन अपनी पुत्री को न्याय दिलाने के लिए खा रहे हैं दर बदर की ठोकरें। भागलपुर में एक परिजन अपनी पुत्री को न्याय दिलाने के लिए दर बदर भटक रहे हैं। दरअसल मामला कटिहार जिले के आजमनगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं मामले को लेकर पीड़ित पक्ष का कहना है कि 24 मई को उनकी पुत्री लापता हुई थी, जिसकी लिखित शिकायत उन्होंने थाने में दर्ज कराई थी। वहीं 24 घंटे के पश्चात परिजन बच्ची की मौत की खबर मिली। परिजनों की माने तो उनकी पंचायत में मुखिया के भाई कुसुम लाल ने पास के रेखा देवी के घर मृतका के शव को छुपा कर रखा था। उन्होंने कहा कि कुसुम लाल ने ही बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और साक्ष्य मिटाने के लिए उसकी हत्या कर पड़ोसी रेखा देवी के घर में छिपा दिया। परिजनों का ये भी कहना है कि स्थानीय पुलिस को मामले की जानकारी होने के बावजूद पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर रही, जबकि कटिहार पोस्टमार्टम में भी आरोपी पक्ष ने रिश्वत देकर साक्ष्य मिटाया है। वहीं कटिहार जिले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से असंतुष्ट होकर पीड़ित परिजन भागलपुर पहुंचे और मृतका के शत विक्षत शव को दोबारा पोस्टमार्टम कराने पहुंचे। परिजनों ने कहा कि वे लोग पिछले 4 दिन से न्याय के लिए भटक रहे हैं, जबकि मामले में संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। पीड़ित परिवार ने सरकार से मुआवजे की मांग कर दोषियों को कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामला है कटिहार में भवानीपुर है, जो आजमनगर जो थाना पड़ेगा। वहाँ 4 दिन पहले एक नाबालिग लड़की का जो है अपहरण करके उसका रेप किया गया, बलात्कार किया गया और उसको फिर उसकी हत्या कर दी। उसके लिए हम लोगों को राहुल गांधी के ऑफिस से प्रवीण सिंह कुशवाहा जी को जो AICC के जो उनको कॉल आया था कि इस पर न्याय दिलाया जाए, वहाँ आप लोग जाइए। हम लोग यहाँ कांग्रेस की तरफ से आए हैं कि कटिहार में जो मैं हुआ है पहले ये उसका पोस्टमार्टम, ये परिवार के लोगों को उस पर भरोसा नहीं, क्योंकि वहाँ राजनीतिक दबाव के कारण वो उसका जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें इन लोगों को भरोसा नहीं। इन लोगों ने मांग की थी, वहाँ की जनता ने आंदोलन करते हुए ये मांग की थी कि इसका पोस्टमार्टम दोबारा भागलपुर में कराया जाए। तो पूरी बॉडी लेके हम लोग यहाँ पर जो है ये लोग आए हैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ खड़े हैं कि उसके साथ कहीं पर भी नाइंसाफ़ी न हो, उसको न्याय मिले। जी, मामले को लेकर बताया जा रहा है कि पीड़ित पक्ष जो है पिछले 4 दिनों से जो है इधर उधर भटक रहे हैं और राजनीतिक दबाव के कारण जो है उन्हें जो है न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कटिहार में तो राजनीतिक दबाव है, ये साफ दिखता है कि उसका रेप हुआ है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप नहीं दिखाया गया है। आखिर कौन लोग हैं वो लोग? ये राजनीतिक कुछ दबाव है और वहाँ के लोग जो कुछ लोकल जो मुखिया हैं और उन्हीं का राजनीतिक दबाव है। क्या उनके द्वारा ये घटना को अंजाम दी गई है? जो परिवार कहते हैं कि उन्हीं लोगों का इसमें हाथ है, वही लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। परिचय आपका? मेरा मुजफ्फर अहमद है, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी भागलपुर। मेरी बेटी 24 तारीख को गांव से मेरी अगवा करके उनको कुसुम लाल ने रेखा देवी के घर में छुपा के रखी, जो कि हम खोजबीन करने लगे तो जो कि खोजबीन नहीं पता चला। फिर जो कि हम नीतू कुमारी उनकी सहेली थी उनको पूछे तो नीतू कुमारी भी बोली कि नहीं मिल है यहाँ, जो कि उसके बाद जो कि फिर रेखा को भी पूछे तो वो भी बोला कि नहीं है। उसके बाद हम लोग थाना में जाके परमिया किए, रिपोर्ट किए। रिपोर्ट करने के बाद भी जो कि पुलिस प्रशासन जो कि कोई उसका जो कि छानबीन नहीं किया। उसके बाद 25 तारीख को जो कि
25 तारीख का शाम को एक दूसरा लड़का हमको फोन करके बोला कि यहाँ जो कि रेखा के घर में जो कि लाश है मरी पड़ी है, लाश मरी पड़ी है। तब जो कि हम पूरा गांव को जो कि आवाज़ लगा के ले आके जो कि लाश को जो कि किए बरामद किए। तब जो कि रेखा देवी कौन है? रेखा देवी जो कि बाजू वाली है। अच्छा, मुखिया का भाई जो है वही जो कि कुसुम लाल है। क्या किया आपकी बेटी के साथ, क्या घटना हुआ? मेरी बेटी के साथ जो कि बलात्कार करके मार डंगा के जो कि फांसी लटका दी। कौन किया है यह घटना को, कौन अंजाम दिया, कौन किया है यह घटना? ये कुसुम लाल और रेखा देवी और उसी गांव उसका पड़ोस बरादर का सब मिलके। कुसुम लाल वहाँ के मुखिया हैं, उसका भाई मुखिया है। उसके बाद क्या आप लोगों के साथ क्या हुआ, आप लोगों के ऊपर किस तरह का दबाव बनाया गया? हम लोग को जो कि अब जो कि लोग जो कि कोई असर ही नहीं करता, कहीं भी जाते हैं कोई सुनवाई नहीं। वहाँ जो कि मुखिया का भाई है, हम लोग जनता गरीब आदमी है। मामले को दबाने की भी कोशिश, मामले को दबाने का कोशिश कर रहा है वो, जो कि कोई सुनवाई कोई कहीं। तो यहाँ भागलपुर आया? हाँ, तब जो कि हम लोग जो कि प्रदूषण किए सालमारी में, तब जो कि वहाँ से हम लोग मांग किए तो हमको भागल सही इसके लिए जानकारी के लिए जो कि हमको सही रिपोर्ट के लिए हमको जो कि भागलपुर जो कि ये किया। वहाँ कितने दिन से आप लोग भटक रहे थे? 25 आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर जिला स्कूल प्रशाल में हुआ बाल संसद कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने किया। भागलपुर जिला स्कूल के प्रशाल में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर बाल युवा संसद सह सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा समेत भागलपुर, कहलगांव, बिहपुर, नाथनगर, पीरपैंती के विधायकों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान पक्ष विपक्ष की भूमिका में जनप्रतिनिधि बने छात्र छात्राओं ने विधानसभा की कार्यवाही को समझा, साथ ही एक दूसरे से सवाल जवाब किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था बच्चे संसद की गतिविधियों को देख कर सीखें। इस संसद कार्यक्रम में बच्चे ही सरकार और विपक्ष दोनों दलों की भूमिका में नजर आए। वहीं मीडिया से बात करते हुए विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि ये जागरूकता अभियान सहबाल संसद हम सबों को एक सीख देती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि जनता ने हमें चुनकर उचित कार्य करने के लिए कुर्सी पर बैठाया है। हम उनके जनप्रतिनिधि हैं, उनका कर्तव्य हम पूर्ण रूपेण निष्ठा से निभाएं। कार्यक्रम के दौरान जिला स्कूल प्रशाल में भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों के स्कूल के दर्जनों छात्र छात्राओं के अलावा शिक्षक और सैकड़ों दर्शकों की उपस्थिति थी। झंडापुर ओपी तेहरे हत्याकांड में अभियुक्त को मिली ताउम्र की सजा, पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने 40 लाख रुपए मुआवजा देने की कही बात। भागलपुर के व्यवहार न्यायालय स्थित 10 कोर्ट भवन में शनिवार को विशेष पॉक्सो के एडीजे 7 MP सिंह की अदालत में तेहरे हत्याकांड और नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले को लेकर सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई, जिसमें दोषी पाए जाने पर आरोपी अमन झा को ताउम्र कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेश प्रसाद साह और जयकरण गुप्ता ने दलीलें पेश की। दरअसल मामला पुलिस जिला नवगछा के बिहपुर स्थित झंडापुर ओपी का है, जहां मामले में अभियुक्त अमन झा और उसके दो सहयोगियों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसका विरोध करने पर आरोपियों ने पीड़ित पक्ष पर कुल्हाड़ी और चाकू से उनकी हत्या कर दी। वहीं पूरे मामले को लेकर स्पेशल पॉक्सो के दोनों विशेष लोक अभियोजकों ने बताया कि इस मामले में दुष्कर्म व हत्या करने के जुर्म में कई धाराओं के तहत आरोपी को दोषी करार दिया गया, जिसमें कुल 13 गवाहों की प्रस्तुति हुई और आरोपी अमन झा को ताउम्र यानी जीवित रहने तक जेल कारावास की सजा सुनाई गई।
उन्होंने कहा कि विशेष न्यायाधीश ने अपने निर्णय में पीड़िता को 20 लाख रुपए सहायता कोष देने का निर्देश दिया। साथ ही पीड़िता के जिंदा बचे दो भाइयों को भी 10 लाख देने की बात कही। बता दें कि तेहरा कांड के चार अभियुक्तों में शामिल बाले उर्फ बलराम राय, मोहन सिंह, मोहम्मद महबूबा उर्फ महबूब, कन्हैया झा उर्फ रोहित को पॉक्सो की विशेष अदालत ने 20 नवंबर 2019 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही अभियुक्तों को 50,000 रुपये अर्थदंड देने का भी निर्णय सुनाया गया था।